नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नेताजी का नया साल में। मैं हूं अपर्णा आपके साथ। 2024 का साल देश के नेताओं के लिए बेहद अहम साल है। वजह है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। तो 2024 में किसके सितारे चमकेंगे और किसके गर्दिश में रहेंगे, किसे सत्ता मिलने के योग बन रहे हैं, तो कौन सत्ता से दूर रह जाएगा और कौन एक बार फिर देश की जनता के दिलों पर करेगा राज, इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट वान्या आर्य जी। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वान्या जी, सबसे पहले ये बताइए कि नंबर्स के जरिए हम कैसे भविष्य फल बता सकते हैं। देखिए अपर्णा, अंक जो होते हैं ना, हमारे जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन अंकों में बहुत शक्ति होती है, इन अंकों में बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। हर अंक जो होता है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हर इंसान के जीवन में दर्शाता है। अंक बोलते हैं, हमारे बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं खाली नंबर्स देख के ही, चाहे वो व्यक्ति का मूला अंक हो, चाहे भाग्य अंक हो, चाहे उसका कुआं नंबर हो, चाहे उसके नंबर्स में, उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उसका ईयर एंड का टोटल जो है, सिर्फ ईयर का टोटल भी बहुत कुछ बोलता है। लास्ट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ईयर एंड के टोटल के लास्ट के दो नंबर्स होते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होते हैं जिस वजह से हम एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। मतलब मैथ्स अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं और उससे बाहर निकल भी गए हैं तो भी मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, नंबर्स आपका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे लोकप्रिय हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये जो आने वाला साल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साल है, और क्योंकि इलेक्शंस भी हैं और बहुत इनके जो सितारे हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं आने वाले साल के। अब हम, मैं इनके डेट ऑफ बर्थ से चलती हूँ, 17/9/1950। अगर मैं 17 को ऐड करती हूँ तो वो 8 पर बनता है। मोदी जी के लिए 8 का इन्फ्लुएंस उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी पहली प्रिडिक्शंस भी मैंने कई बार की जहाँ पर मैंने 8 नंबर का उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बताया। करंट एज मोदी जी की क्या है, 73 ईयर्स। अब आप अगर 73 को जोड़ते हैं, 7 और 3 को जोड़ते हैं, तो आपका 7 और 3 जो है वो भी आपका 1 पर आता है। 1 जो होता है सूर्य का नंबर होता है। सूर्य का नंबर जो होता है पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य देव में जो है सारी एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं जो हमारे मोदी जी में ऑलरेडी सारी क्वालिटीज़ जो हैं। अगर मैं इनके टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल करती हूँ तो वो 5 पर आता है, यानी कि इनका जो भाग्य अंक है वो 5 है। अगले साल 2024 को अगर आप ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टोटल भी 8 पर आता है। तो इसका मतलब अगले साल इनके जो नंबर्स हैं उसमें आपका 8 आ गया। और नंबर्स का डबल रिपीटेशन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता, अगर स्पेशली वो 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन नंबर 8 का जो होता है वो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अगर आप इनके नेम नंबर से पाइथागोरियन से निकाल के देखेंगे तो इनका नेम नंबर भी 8 पर जाता है मोदी जी का। तो कहीं ना कहीं वो नेम नंबर भी इनके मूलांक और आने वाले साल के लिए मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अब मैं बात करती हूँ पर्सनल ईयर की। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन जब मैंने मोदी जी की तो वो नंबर 7 पे आया। इसका ये मतलब था अगले साल उनके जो भी डिसीजंस हैं या जो भी डिसीजंस उनको लेने चाहिए वो लॉजिक लगा के, वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं बट उनमें थोड़ा सा लॉजिक और इन डेप्थ वो जितना ज़्यादा रखेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, क्योंकि नंबर 7 का पर्सनल ईयर है उनका, तो कहीं ना कहीं उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। एक बात और देखिए, उनकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लगन पे है, और अगले साल के जो राजा हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, नॉट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, राजा हैं जो मंगल हैं, जो महामंत्री हैं वो शनि हैं। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से ही उनकी विजय ही विजय है, हर तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि अगर मेरा साल जो है मेरे मूलांक पर आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो मोदी जी के लिए ये आने वाला साल बहुत ही गोल्डन समय है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, गोल्डन समय है इनकी लाइफ का, बहुत सपोर्टिव समय है, हर तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल, तो ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है ना कि राजयोग है या बहुत सारे अच्छे योग हैं, तो कुछ उसी अंदाज में आपने भी कह दिया कि गोल्डन ईयर रहने वाला है 2024। वाणी जी, बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की, उनके लिए नया साल क्या लेकर आ रहा है।
तो अपर्णा जी, अब हम बात करते हैं अमित शाह की। अगर मैं अमित शाह के नंबर्स देखती हूँ तो अमित शाह सर के जो मूलांक है वो उनका जो मूलांक है 22 पर आता है। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो 22 जो होता है एक मास्टर नंबर होता है। 11, 22 और 33 को हम कभी भी ऐड नहीं करते। तो 22 जो होता है, कहीं ना कहीं 22 को अगर मैं देखूं तो राहु एनर्जीज तो हैं, बट साथ में चंद्रमा का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव साल है, राहु का साल है, एकदम से इनको इंस्टेंट ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि राहु लाइफ में ऐसे चलता है, जो राहु का ग्राफ होता है। तो अमित शाह जी का जो ग्राफ है ये पूरा ऐसे की तरफ जाएगा नेक्स्ट ईयर। अगर मैं 2024 को देखती हूँ, अगर मैं इनके भाग्य अंक पे बात करती हूँ तो इनका भाग्य अंक 7 पर है। तो जितना ज़्यादा ये रिसर्चेस करके जो भी अनाउंसमेंट्स अमित जी करेंगे, जो भी डिसीजंस अमित जी करेंगे, जितना ज़्यादा ये रिसर्चेस करके करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाला। करंट एज उनकी 59 पर है, 59 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो 14 पर आता है, 14 से आके वो कहीं ना कहीं 5 पर आता है। तो 5 कम्युनिकेशन के थ्रू वो बहुत कुछ अपने जीवन में नेक्स्ट ईयर जो है अचीव करने वाले हैं। बहुत शनि थोड़ा सा काम काफ़ी करवाता है, मेहनत करवाता है, क्योंकि शनि का साल है। तो लेकिन शनि जब बहुत ज़्यादा हम डिसिप्लिन से, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमारे कर्माज अच्छे हैं तो शनि एकदम से इनको ऊपर भी उठाता है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 4 पर हैं ये, और इनका मूलांक ऑलरेडी 4 पर है, तो कहीं ना कहीं इनको इनके पर्सनल ईयर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। मैं ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर भी ये चीज़ प्रिडिक्ट की थी कि 4 जो है इनकी लाइफ में, इनका राहु जो है ना, इनको इतना ऊपर लेके जाएगा नेक्स्ट ईयर। आप लोग खुद देखेंगे कि इनका पॉलिटिकल करियर का जो ग्राफ है वो एकदम से हिट करेगा और बहुत पॉजिटिवली अपलिफ्ट होगा जो इनका ग्राफ है। इनके अगर मैं फ्रेंडली नंबर्स की बात करती हूँ तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9। अगर मैं अनफ्रेंडली नंबर्स की बात करती हूँ तो 3 और 6 से अमित जी थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगर मैं पाइथागोरियन से इनके नेम नंबर की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो 7 पर आता है। तो अध्यात्म का हो गया और भाग्यांक से भी इनको सपोर्ट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं 7 का और 4 का इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और मास्टर नंबर्स, अमित जी के लिए मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मास्टर नंबर्स अपने जीवन में बहुत ऊँचा करके जाते हैं। मास्टर नंबर्स कोई नॉर्मल नंबर्स नहीं होते हैं। मास्टर का काम ही एक मास्टर की तरह लोगों को टीच करना, एक लीडर की तरह दुनिया को सपोर्ट करना है, और कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशनल लीडर जो है अमित जी पूरे भारत के लिए जो है प्रूव होंगे। नेक्स्ट ईयर इनके लिए बहुत लकी जाने वाला है, राहु इनको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। बिल्कुल, तो बीजेपी के चाणक्य के लिए भी 2024 बहुत शानदार रहने वाला है। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की। वानिया जी, जेपी नड्डा के लिए बताएं कि साल 2024 कामयाबी लेकर आ रहा है या कुछ और? अपर्णा जी, जेपी नड्डा के लिए ये साल जो है अच्छा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो है, क्योंकि वो मूलांक 2 पर हैं और भाग्यांक 3 पर है, तो 2 कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल करता है। तो मेरी उनको ये सजेशन है कि कहीं ना कहीं वो भावनाओं में ना बहें, और जितना भी हो सकता है जो भी डिसीजंस है वो इमोशंस को साइड में रख के अगर वो लेते हैं तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव जाएगा। अगर मैं उनकी करंट एज की बात करती हूँ तो वो 63 पर है, 63 को अगर मैं टोटल करती हूँ तो वो 9 पर आएगा। तो कहीं ना कहीं उनके काम ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि 9 जो होता है, जो 9 अंक होता है, वो एक कंप्लीशन का नंबर होता है जीवन में, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर होता है। 9 हमारे काम पूरे कराता है। लेकिन कभी कभी पर्सनल ईयर, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कई बार जो होता है नंबर 9 का जो पर्सनल ईयर 9 आता है, अभी इनका पर्सनल ईयर 4 है, तो राहु कहीं ना कहीं इनको उठाएगा तो सही, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा सा अप एंड डाउन, तो इनके लिए उनको थोड़ा सा केयरफुल ये रहना है कि इमोशंस में आके वो कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले। और अभी जो है फ्रेंडली नंबर्स उनके हैं वो 2, 4, 6 और 9। अनफ्रेंडली नंबर्स जिनको उनसे थोड़ा सा उनको अलर्ट रहना है तो वो 1, 3, 5, 7, 8। इस साल वो जितना चंद्रदेव की आराधना करेंगे और अपने माथे पर अगर वो हल्दी चंदन का तिलक लगाते हैं तो वो उनको लोगों से बहुत अच्छा कनेक्ट करेगा और उनको लाइफ में जो भी उनकी स्ट्रगल्स आ रही हैं वो ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और वो ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करेगा। विष्णु सहस्रनाम का पाठ अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वानिया जी राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली लेकिन जितनी भीड़ उनकी यात्रा में नजर आई वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। अगर खासकर बात करें नॉर्थ इंडिया के लिए तो साल 2024 में क्या राजनीति में उन्हें कोई कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है? देखिए अगर अपर्णा जी मैं राहुल गांधी जी की बात करती हूँ तो 19 जून 1970 का उनका जो ये डेट ऑफ बर्थ है कहीं ना कहीं उनको मेहनत कराएगा। ये साल जो है इनके लिए थोड़ा सा संघर्ष तो इन्हें कराएगा, मेहनत तो इन्हें कराएगा, इन्हें सफलता मिलेगी, बट थोड़ा सा अभी इन्हें रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मूलांक 1 पर है और भाग्यांक 6 पर है, तो सोशली तो ये कनेक्ट करेंगे लोगों से, ऐसा नहीं है कि सोशली नहीं कनेक्ट करेंगे, बट क्योंकि ये पर्सनल ईयर 6 में है तो जितना ये लोगों के लिए करेंगे वो रेसिप्रोकेट नहीं होगा। बस ये पर्सनल ईयर 6 कहीं ना कहीं देता है। 8 से ये 53 पर आते हैं तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो इनके मूलांक के कंपैटिबल अभी नहीं जा रही है तो थोड़े से इनकी चीज़ों में डीलेज आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। यस थोड़ा सा फ्रूटफुल होगा लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है। फ्रेंडली नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1, 3, 4, 5, 7, 9, अनफ्रेंडली नंबर्स की अगर हम इनकी बात करते हैं तो वो हैं 2, 6 और 8। तो राहुल गांधी जी को मैं ऑल द बेस्ट विश करती हूँ। ठीक है और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की भी। क्या प्रियंका गांधी के लिए साल 2024 कुछ अच्छी खबर लेकर आ रहा है, क्या कह रहे हैं उनके सितारे? प्रियंका गांधी की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 3 पर है और भाग्यांक 5 पर है, पर्सनल ईयर 3 पर है, तो कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअलिटी में ये साल लेके जाने वाला है। और ज़्यादा इनका मन करेगा थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्ट हो, थोड़ा सा पूजा पाठ को और ज़्यादा ये बढ़ाने वाली हैं। 51 ईयर्स की हैं तो 6 पर आता है। सोशल रिलेशनशिप्स इनके अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफ्रेंडली नंबर्स 2 या 4 पे हैं, फ्रेंडली नंबर्स 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 इनके रहेंगे। तो मैं इनको बोलूँगी अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं इस साल, या इस साल अगर येलो कलर का ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगी। क्योंकि ये 51 ईयर्स की हैं तो 36 ईयर्स के बाद भाग्यांक थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेट कर लेता है, तो कहीं ना कहीं दुर्गा चालीसा ये करें, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में अंक ज्योतिष में 5 अंक जो होता है उसको माँ दुर्गा जो है और रूल करती हैं, गणेश जी रूल करते हैं, तो दुर्गा चालीसा अगर वो करती हैं तो वो उनकी लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिनके लिए 2023 जाते जाते तो उनके करियर के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ है, लेकिन 2024 कैसा रहने वाला है वाणी जी जरा बताएं। अपर्णा जी मोहन यादव जी के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 2023 उन्हें जाते जाते भी बहुत कुछ दे के गया है। मूलांक 7 पे हैं, भाग्यांक 4 पे हैं, इनको नेक्स्ट ईयर इन दोनों नंबर्स की सपोर्ट मिलेगी। इनके नंबर्स जो हैं 7 और 4 वेरी सिमिलर लाइक अमित शाह जी, तो कहीं ना कहीं 7 और 4 जैसे कि मैंने पहले भी बोला 7 और 4 आपस में एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पर्सनल ईयर 9 पे हैं, जो भी ये अपने लाइफ में करना चाहते थे अब ये कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अब इनके पास डेजिग्नेशन भी है, अब इनके पास अथॉरिटी भी है और डोमिनेंस भी है, तो कहीं ना कहीं अपनी इस पोजीशन को यूज़ करके ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। आने वाला साल इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एक चीज़ मैं और बहुत इनके केस में इंपॉर्टेंट बता दूँ, इनकी एज जो है 58 है, 58 कहीं ना कहीं जो है आपको 13 पर लेके आएगा, 13 से 4 बनेगा और इनका भाग्यांक 4 है, तो ये जो साल है इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने वाला है। 4 जो है इनका भाग्यांक हर तरफ इनको भाग्य दे के जाएगा, इनको सपोर्ट करेगा, जो काम नहीं भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं वो इनके भाग्य से बन जाएंगे, हर चीज़ ऊपर उठती जाएगी। 7 का मूलांक है तो कहीं ना कहीं गणेश भगवान की ये आराधना करते रहें और कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की आराधना करते रहें, तो ये दोनों चीज़ें ही इनको बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने वाली है। फ्रेंडली नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, अनफ्रेंडली नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ इनके तो वो 2 और 6 पर है। ओवरऑल जो है 6 और 5 इनके ईयर का एंड का अगर मैं टोटल करूँ 6 और 5 11 पे आते हैं, कहीं ना कहीं 11 मास्टर नंबर है तो वो डायरेक्ट 11 नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनको हिडन नंबर्स की तरह 11 इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा है, इनके मास्टर नंबर है, लीडर की तरह ये काम करेंगे, लीडर ऑलरेडी ये बन चुके हैं और मास्टर नंबर्स की एनर्जी इतनी हाई होती है, मास्टर नंबर्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है एज अ लीडर,
तो ये बहुत कुछ कर पाएंगे अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी से। जो भी इनको नई डेजिग्नेशन मिली है, इनकी सारी गोल्स ये जो है, जो इन्होंने कई सालों से सोचे हुए थे, अब ये सब, अपर्णा जी, ये वो टाइम है जो अब ये सब पूरे होने वाले हैं। 2024 इनके लिए बहुत ज्यादा लकी जाएगा, सपोर्टिव जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ सकता है शुरू में इनको रेजिस्टेंस मिले क्योंकि भाग्यांक 4 है, राहु का नंबर है, लेकिन मेहनत से तो ये घबराते ही नहीं है, 4 पर है तो कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट करेगा इनको, बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, बहुत गोल्डन ईयर इनके लिए साबित होगा। ठीक है, और शिवराज सिंह चौहान जी के लिए अब बात कर लेते हैं कि 2024 शिवराज सिंह चौहान जी के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 23 में तो वो मुख्यमंत्री पद से दूर हो गए, लेकिन 24 क्या खबर लेकर आ रहा है। अपर्णा जी, अगर मैं शिवराज सिंह चौहान जी की बात करती हूँ तो मूलांक 5 पर है, भाग्यांक 5 पर है, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम तो वो रहे हैं एमपी के, लेकिन अब जो है थोड़ी सी स्ट्रगल उनकी लाइफ में दिख रही है। लाइमलाइट फिर भी हो सकता है कि उन्हें आफ्टर 6 मंथ्स थोड़ा सा लाइमलाइट मिले, लेकिन अभी जो है मूलांक 5 है, भाग्यांक 5 है, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं, सेम है इनका, जो जब सेम नंबर्स होते हैं हमारे मूलांक भाग्यांक, तो लाइक वी जैसा अंदर वैसा बाहर, 64 से हैं, पर्सनल ईयर 7 पे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अकेलापन लगेगा, थोड़ा सा इस साल आइसोलेशन लगेगी, लेकिन ये स्ट्रगलिंग टाइम भी जो है निकल जाएगा। माँ दुर्गा की आराधना करनी है, दुर्गा चालीसा करें, लाइफ में इनको और ज्यादा ऊपर उठाएगी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात कर ली जाए, अब 2024 उनके लिए कैसा साबित होता नजर आ रहा है। अपर्णा, अगर मैं विष्णुदेव साय की बात करती हूँ तो 2024 जो है उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत फ्रूटफुल जाने वाला है, गोल्डन ईयर है, ऑलरेडी ये साल उनको बहुत कुछ देके गया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में देके गया है, बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 3, भाग्यांक 7, कहीं ना कहीं वो उनके जो स्पिरिचुअल ट्रेड्स थे वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगे नेक्स्ट ईयर, और 3 के हाथ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, देने वाले हाथ होते हैं, हमेशा 3 दूसरों के बारे में सोचता है, तो कुछ इसी तरह के ही इनके ट्रेड्स हैं कि हमेशा दूसरों को देने में बिलीव करते हैं, ही बिलीव्स इन गिविंग टू अदर्स, सर्विंग टू द सोसाइटी। एज जो है इनकी 59 है, 14 से ये 5 पर आते हैं, पर्सनल ईयर 4 पर आ रहे हैं, राहु का साल है, इनको एकदम से फेम देगा, एकदम से ये ऊपर उठेंगे, एकदम से अपलिफ्टमेंट आएगा इनकी फेम में, लेकिन इनकी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इनको फेम मिलने वाली है। फ्रेंडली नंबर्स 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 6, एक अच्छे लीडर बनेंगे, और इनकी जे जो एक अच्छी एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छे हैं, ये जैसा इनके नंबर्स कहते हैं, और हर चीज़ को बिना लॉजिक और रीजनिंग के ये काम नहीं करते हैं, तो ये इनकी बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ की तह में जाते हैं, हर चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, तो इनका ये जो साल है बहुत गोल्डन साल है, बहुत फ्रूटफुल साल है, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक साल है, हर अपॉर्चुनिटी को ये एक बहुत अच्छी उसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। ओवरऑल हाईली सक्सेसफुल एंड गोल्डन एंड फ्रूटफुल ईयर इनके लिए जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना ये बिल्कुल भी ना छोड़े, और गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं गंगा जल से धोके, तो ये साल इनके लिए और ज़्यादा सक्सेसफुल जाएगा। आई विश हिम ऑल द बेस्ट उनकी इस न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। देखिए, 2023 ने किसी को सौगात दी तो किसी से सौगात छीन भी ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए साल 2023 का आखिरी महीना किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। 2024 में मानव जी उनके लिए अंकगणित क्या कह रहा है। भूपेश बघेल की अगर मैं बात करती हूँ तो वो मूलांक 5 पे है और भाग्यांक 3 पे है, तो कहीं ना कहीं ये साल जो है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी जो एज है वो 62 ईयर्स है, लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि कई बार उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत क्लोजली, बहुत पास से आके निकल जाती हैं, तो ये चीज़ को थोड़ा सा हमें ओवरकम करना पड़ेगा उनको, तो कैसे करेंगे, वो जितना ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन पर और ज़्यादा फोकस करेंगे, दुर्गा चालीसा करेंगे, और अपनी हर बात सबको नहीं बताएंगे, दिल के ये बहुत ज़्यादा साफ हैं, तो ही हैज़ टू बी, उनकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको वो थोड़ा सा जो है पहले, जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं हो जाती हैं, थोड़ा सा हिडन रखें। अनफ्रेंडली नंबर्स 2, 6, 9 से वो अलर्ट रहें, और जो है फ्रेंडली नंबर्स 1, 3, 4, 5, 7, 8 जो है उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में सपोर्ट करने वाले हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत खूब, तो देखिए किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो सिर्फ विधाता ही जानता है। ज्योतिष, अंक, गणित, टैरो कार्ड के जरिए सिर्फ विधि के विधान को ही समझने की कोशिश
हम कर सकते हैं। हकीकत में 2024 में किस नेता का भविष्य क्या होगा, ये तो जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा भविष्य में छिपे हुए तमाम राज सामने आते जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वाणिज्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देखते रहिए न्यूज 18।